इस महला दीवारी से हर सुन्नी मुसलमान की بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين आइए हम और आप एक बार आकाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार हबीबे परवरदिगार नाइबे परवरदिगार जन्नतुल फिरदौस की फसले बहार आमना बी के दिलदार अब्दुल्लाह के जिगर पारे रब के दुलारे प्यारे सरकार सैयदी अबरारुल अखियार हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे सरकार सैयद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस मुअज्जज मुतबर्रत बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का हदिया पेश करें। बाबा से बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना وعلى علي سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم कि किसी दूसरे नबी को ये शरफ मिला नहीं है। जो बहुत देर से बात चल रही थी, कहते हैं कि हमारी तरह है, कोई कहता बड़े भाई की तरह है, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है, लेकिन इनको मेरे रसूल ने बहुत साफ जवाब दिया था। जबकि मेरे रसूल की बारगाह में अबू जहल आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद, आप दुनिया में सबसे ज्यादा बसूरत है। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर इशारा फरमाया था, सदक तक तुमने सच कहा, सदक तक, ऐ अबू जहल, तुमने सच कहा। तमाम सहाबा इकराम मौजूद हैं, उन्हीं सहाबा के मजमे के अंदर मेरे रसूल जलवाबार है। ऐसा लग रहा है जैसे सितारों में चौदवी का चांद होता है। थोड़ी देर में यारे यार जनाबे सिद्दीक के अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा होते हैं और कदमों को चूम कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप सबसे ज्यादा खूबसूरत है इस रूए सभी पे, तमाम कायनात आलम के अंदर आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। मेरे रसूल मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, तुमने सच कहा, ऐ सिद्दीक, तुमने सच कहा। इस बात पर तमाम सहाबा इकराम बड़े हैरान है और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मतलब समझ में नहीं आ सका, क्या वजह है? अबू जहल ने जो आपसे कहा था कि आप बदसूरत हैं, उस पर भी आपने सच कहा, सदकता कह दिया, या रसूल अल्लाह, आप कायनात आलम में सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, इस चीज को हम भी यकीन रखते हैं, हम भी तस्लीम करते हैं, और सिद्दीक अकबर की बात पर हम भी सदकता कर
पहल की बात पर हम मतलब नहीं समझ सके तो मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया था, रुखे नबी है जमाले खुदा का आईना, रुखे नबी है जमाले खुदा का आईना, जो जैसा हो उसे पैसा दिखाई, जैसा हो उसे पैसा दिखाई देता है। तो मेरे दोस्तों काने को तो काना ही नजर आएगा, गंजे को गंजा नजर आएगा, कमीने को कमीना नजर आएगा, और नूर वाले सिद्दीक को खूबसूरत नजर आएगा, हजरत मौला अली को अल्लाह की महबूब नजर आएगा। ये मेरे रसूल की बात है तो शेर समाप्त फरमा लेता है, किसी दूसरे नबी को ये शरफ मिला नहीं है, किसी दूसरे नबी को ये शरफ मिला नहीं है, सारे अर्श जाने पाया कोई दूसरा नहीं। सुभान नारे तकबीर, नारे सारत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गुस्ल वला, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी दूसरे नबी को ये शरफ मिला नहीं है, उसे समाप्त फरमाइए इरशाद। कुछ बेवकूफ कहते हैं इन्होंने तो अल्लाह के रसूल को खुदा का दर्जा दिया है, और अल्लाह अल्लाह के रसूल को रसूल ऐसे हबीब हैं कि मेरे नबी जैसा कोई महबूब नहीं, कोई रसूल नहीं। हम भी ये मानते हैं कि नबी खुदा नहीं है, हम भी ये मानते हैं कि नबी खुदा नहीं है, हाँ मगर नबी हमारा रब से जुदा नहीं है, किसी दूसरे नबी को ये शरफ मिला नहीं। और ये शेर समाप्त फरमा लें इंशाअल्लाह, इसी के मुताल्लिक मुझे गुफ्तगू करनी है। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान की, आशिके रसूल ने गुलाम आले हज़रत ने समाप्त फरमाया कि मुर्दे को जिंदा कर दे, जिंदे को मुर्दा कर दे, है कोई ऐसा जिंदे को नहीं मुर्दा कर सकता इंसान, भाई खटका दबा दे गोली मार के छलांग नहीं बोलता, लेकिन इस कायनात आलम में कोई माई का हाल ऐसा नहीं जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे। वो ताकत, वो जसारत, वो पावर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के गुलामों को दिया, अपने महबूब के गुलामों को। वाह सुभान अल्लाह, कि जिसे चाहा जिंदा कर दिया और जिसे चाहा मर्दा कर दिया। हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी जिनका मौजजा ही ये कि अगर मुर्दे को ठोकर लगा दे, फरमा दे कुम बिइज़्निल्लाह उठ मेरे हुक्म से, तो मुर्दा उठकर खड़ा हो जाता। ये अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम का मौजजा। कुछ लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, अरे ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी को अपनी तरह ना कह सके, मूसा कलीमुल्लाह मेरे नबी को अपनी तरह ना कह सके, जिनका ये मौजजा कि अगर लाठी जमीन पर डाल के अपना असर जमीन पर छोड़े तो एक भारी अजदा बन जाए, और अजदा भी ऐसा जिसका एक होंट जमीन पर और दूसरा फिर होंट की महल की चोटी पर होता, ऐसा अजदा बना। जब वो मेरे नबी को अपनी तरह ना कह सके तो ये ऐरा ऐरा ना तू खैरा खैरा कहता कहता। सुभान अल्लाह। हालांकि मेरे दोस्तों
आपने शायद लाल देखा नहीं होगा लेकिन सुना तो है। लाल लाल ही होता है, हीरा हीरा ही होता है। अगर लाल पर आप कीचड़ डाल दें वो तब भी लाल रहेगा, वो तब भी हीरा रहेगा। अगर उसे फूलों में रख दें तब भी वो हकीकत बयान करता रहेगा। इसी तरह से इन अल्लाह के महबूब बंदों पर जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं नारे रिसालत مسلک عالی حضرت جناب عطا زکریا سے پرزن ابن صاحب تولا نعرہ تکبیر مولانا اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ علی جناب عطا زکریا مولانا آصف رضا صاحب نے یہ تشریف لا چکے ہیں سبحان اللہ اللہ ان کی محبت قبول فرمائے तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना कहा कि नबी हमारी तरह है। और ये 14वीं सदी वाले मेरे नबी को अपनी तरह कर रहे हैं। आइए ये तो नबी की बात नहीं करता, ये तो मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ। मेरे नबी का ये अजरा सा गुलाम है, रसूल की आलमत चाहिदा है, हसनैन करीमैन की औलाद है। हजरत यानी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुभानी गौसे सल्तानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे वो मर्तबा अता फरमाया है, मुझे वो मकाम दिया है कि मेरा ये कदम गर्दने औलिया पर रखा हुआ है, गर्दने औलिया पर है। मेरे दोस्तों और इन औलिया इकराम की जमात को देखिए, इन औलिया कामिलीन ने ना कहा कि वो हमारी तरह, और ये कह रहा है कि नबी हमारी तरह। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। मर्तबा सर भला कोई क्या जाने के कैसा है तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया फरमाते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और तेरे दरबार में लाता है रजा उसको शफी, तेरे दरबार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो मेरे गौस मेरे गौस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के इल्म के समंदर में गोते रखता। मेरे गौस फरमाते हैं मैं दुनिया वालों को जानता हूँ, दुनिया में कितने लोग जन्नती और कितने दोस्त। सुभान अल्लाह अल्लाह के इल्म के समंदर में गोते लगाता रहता हूँ। मैं तमाम लोगों को जानता हूँ, कितने लोग दोजखी हैं और कितने जन्नती हैं। और फरमाते हैं कि दुनिया मेरी नजर में ऐसे जैसे हथेली पर राई का दाग। अगर शरीयत की लगाम मेरे मुंह में पड़ी भी ना हो तो मैं आज ही बयान फरमाता हूँ कि फला फला दोस्तों को जाने का। ये मेरे गौस का मर्तबा ये बराबरी कर रहे रसूल ने मेरे गौस की मुकद्दस बारगाह में। चंद ऐसे ही बेवकूफ आ गए और आकर कहने लगे अब्दुल कादिर आपका यकीन है और अकीदा है कि अल्लाह के रसूल तमाम रसूलों में मुमताज हैं और आप बड़ी फजीलत बयान करते हैं रसूल कायनात की। जरा ये तो बताइए क्या आपके नबी का भी ये कोई करिश्मा कोई मौजजा है, कोई ऐसी करामात है जो किसी मुर्दे को जिंदा किया। हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा किया करते, ठोकर लगाते मुर्दा जिंदा हो जाते, यानी ये ईसाई थे। मेरे गौस फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को मेरा सलाम, वो अल्लाह के बरहक नबी ईसा रूहुल्लाह उनकी पाकीज़गी को मैं सलाम करता हूँ। ऐ पादरी जिस मौजज़े की तू बात करता है, जिस नबी का तू तस्करा करता है और जिस कमालात को तू देखना चाहता है, ये मेरे नबी की शान नहीं है, ये रसूल कायनात की शान नहीं। रसूल कायनात का एक गुलाम इस मौजज़े को इस करामात
यानी मुर्दा जिंदा तो मेरे रसूल का गुलाम का है। सुभान मेरे रसूल का ये वफादार सैयदना उसे पाक रजी अल्लाह तआला उनसे इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हें मुर्दा देखना है तो चलो कब्रिस्तान में दिखाता हूं। कब्रिस्तान ले जाया जाता है, पादरी ने जाकर एक कब्र देखी, तकरीबन 400 साल पुरानी कब्र। चूंकि उनके दिल में ये था कि अब तो मुर्दे की हड्डियां भी नहीं होगी, मेरे गौस फरमाते हैं क्या इस मुर्दे को जिंदा देखना है। पादरियों ने कहा कि हाँ ये मुर्दा जिंदा देखना है। मेरे गौस ने इरशाद फरमाया जब ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते ठोकर लगाते तो फरमाते कुम्बे इज़्निल्लाह उठ अल्लाह के नाम से, लेकिन मेरे गौस फरमाते कुम्बे इज़्नी उठ मेरे सुभान अल्लाह उठ मेरे हुक्म से। पादरी क्या देखते हैं, ये कब्र शक हुई मुर्दा बाहर खड़ा हो, यह मेरे गौसे पाक की करामात और ये मकामात ये ऐसे कमालात वैसे ही हासिल नहीं हो गए कि घर में बैठे साहब मियां मिट्टू और कमालात ढूंढते फिर रहे इमामों के अंदर, सोया लगा रहे इमामों के अंदर, अपने अंदर के अभेदी थे, खुद हराम खोरी कर रहे हैं, खुद सूद पर सूद लिए जा रहे हैं और खा रहे हैं झूठ बोलकर गप्पे सप्पे लड़ाकर और इमामों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ये इनामात ये कमालात ऐसे हासिल नहीं होते हैं बल्कि बड़ी बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती है। ठंड में जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है, उस्ताद जब कहते हैं कि बेटा 4 बज गए 3 बज गए उठ जाओ तो बच्चों को बेदार होना पड़ता है। जब हम तुम लियाब के मुताबिक सोते हैं तो मदरसे के तलबा उस वक्त 3 बजे उठकर तैयार हो वजू करते हैं, अल्लाह के कलाम को सीने से लगाते हैं, तब जाकर अल्लाह के रसूल का ये गुलाम तैयार होता है जो हमारी और आपकी इस्लाह। हम तुमने इनकी असलतों को नहीं समझा है, इनकी हमारे कदर करनी नहीं आ रही है। मेरे दोस्त को मेरे गौसे पाक को ये मर्तबे वैसे हासिल नहीं होगी बल्कि मेरे गौसे ने तकरीबन 15 साल मुसलसल रोजे रखे, एक दिन भी बीच में नारा ना किया और 11 साल एक टांग पर खड़े हो इशा के बाद से फजर तक पूरा मुकद्दस कुरान सुभान अल्लाह। कभी हमने ऐसा किया? हम इशा की नमाज पाबंदी से पढ़ ले 11 साल लगातार कोई पढ़ सकता जिसकी इशा कज़ा ना हो 11 साल का नहीं कर सकते यार। भाई इशा तो बड़ी थी कोई से तहकीर 11 साल लगातार पाबंदी नहीं कर सकते। तो मेरे बॉस ने 45 साल तक मुसलसल इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की और इशा के वजू से फजर की नमाज जब पढ़ी जाती है जब बंदा बीच में सोए ना, पूरी रात बावजूद रहे सोए ना, नींद का गलबा ना हो, कोई बेहूदा काम ना करे, रूम ना आए, तब वजू रहता है। क्या हम ऐसा करते नहीं? ये मेरे बॉस है, तभी तो मुर्दा निकलकर खड़ा हो गया। कहा गया हजरत कयामत आ गई, मेरे सरकार ने फरमाया नहीं, पादरियों को दिखाना था। ये मुर्दा अंदर गया, इधर ये पादरी मेरे गौस के कदमों पर झुककर कलमा पढ़कर इस्लाम का दाखिल हो गया। इस्लाम इस तरह से फैला है, परिंदे उखाड़े से नहीं फैला है, लोगों को गुमराह करने से नहीं फैला है। तो मेरे गौस पाक महबूब सुभानी रजी अल्लाह तआला अन्हु की यानी आप ही की याद को ताजा करते हुए इस महफिल को मुनाकिद किया गया जो कह रहे हैं हमारी तरह है। मेरा गौस वो जो 400 साल का मुर्दा जिंदा कर रहा है और मेरा गौस वो जो जिंदे को मुर्दा कर दे यानी जिंदे को मुर्दा कर दे, जो बहस करा किया करते हैं चारों तरफ उल्टी सुनी हामी करते हैं। मेरे दोस्तों मेरे गौस की बारगाह में चंद नौजवान आजकल भी नौजवानों का यानी कुछ काफला ऐसा होता है जो बदनसीब हो जाता है,
और ज्यादातर वो बदजबान लोगों के साथ रहते 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 रात भर से शख्स से गांव में मुलाकात होती, इतने खतरनाक जुमले बोल रहा था कि अल्लाह रहम फरमाए कैसे जुमले सुनना भी पड़ा। तो जब बदसमान लोगों के पास आप रहेंगे, उनकी सोबत में रहेंगे, तो उसका असर आप में आना शुरू हो जाएगा। बेहतर यह है कि दीनदार लोगों से रابطہ रखो, उनकी सोबत में बैठा करो, आइमा हजरत की खिदमत में रहा करो। इंशाअल्लाह जब आप आइमा हजरत की हुक्मत और कुर्रा की खिदमत में रहेंगे तो आपके अंदर बेहतरीन सलाहियत भी आ जाएगी और सादगी भी आ जाएगी। और जिस इंसान के अंदर सादगी आ जाती है वो नबी का नबी के गुलामों में शामिल हो जाता है। तो मेरे दोस्त की बारगाह में चंद नौजवान आए और आकर उलझने लगे, और उलझने का मतलब समझते हैं आप किसी चीज से उलझ ले, आप जाकर बिजली के तार से उलझ जाए तो क्या बच जाए। अगर आप बिजली के तार से उलझने लगे तो यकीनन आपकी मौत हो जाएगी। रब फरमाता अला खबरदार, यानी रब फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी खबरदार। ये जब अल्लाह के औलिया क्या मिली है, औलिया अल्लाह है, इन्हें कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है, इन्हें कोई खौफ और खतरा नहीं है, ये सिर्फ अपने रब की रजा के लिए सरते पे सरते इबादत और रियाजत करते रहते हैं। अगर ये डरते हैं कायनात आलम में तो सिर्फ अपने रब की नाराजगी से डरा करते हैं, रसूल कायनात की नाराजगी से डरा करते हैं। और जिस बंदे ने अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लिया, समझ लो कामयाब। अल्लाह के नबी बंदों की जमात है, जिन्हें कोई खौफ नहीं है। चंद नौजवान है मेरे गौस की बारगाह में एक मंसूबा बनाकर लाते हैं कि चले आज पास आते हैं, ये गौस सुनने में आते हैं, जमाना इन्हें गौस कह रहा है, जमाना इन्हें अल्लाह का वली कहता है, इन्हें पीराने पीर कहा जाता है, इन्हें दस्तगीर कहा जाता है। देखते हैं आजमाइश लेकर। तो मंसूबा क्या था, उन्होंने आपस में मंसूबा बनाया कि एक वो चार मसैनी में लिटा कर आ गए और आकर कहा कि या गौस हमारा एक साथी इंतकाल कर गया है, आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। नमाज जनाजा पढ़ा दी। जब ये मंसूबा बना कर गए तो पहले समझा गए थे कि जैसे नियत बांधे और पहली तकबीर कहें तो फौरन खड़ा हो जाओ, हम इनकी मजम्मत बनाएंगे। और मेरे दोस्तों जो अल्लाह वालों की मजम्मत बनाना चाहता है वो खुद ही मजाक बनकर रह जाता है, वो खुद सलील और पार। क्या आपने नहीं सुना कि मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने बहुत सताया, बड़ा परेशान किया, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की और फिरौन सलील और पार होकर रहा। 3 दिन तक इस जालिम की लाश दरिया के अंदर तैरती रही, डोसते रहे, इस पर दुनिया लानत बरसाती रही। मेरे दोस्तों जो जो भी अल्लाह के नबी बंदों से टकराया है उसका खात्मा बुरा हुआ, वो जलील पार होकर मरा है। ये नौजवान भी आकर टकरा कर, और जब अल्लाह वालों से उलझोगे तो खसारे में रह जाओगे और अल्लाह वालों के कदमों को चूमोगे तो इंशाअल्लाह फला फला। मेरे गौस से फरमाया हमारा, यानी अर्ज किया कि हमारा साथी इंतकाल कर गया, आप नमाज जनाजा पढ़ा। आपने भी यही फरमाया कि भाई मेरे पास क्यों आए हो, मैं महल्ले के इमाम से पढ़वा लेते, ये इतनी दूर क्यों आए हो। आपने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, लो जनाजा पढ़ाए देते हैं। जब मसैनी सामने लाए गई तो आपने फरमाया जनाजा जिंदे का पढ़ाऊं या मुर्दे का, जिंदे का पढ़ाऊं या मुर्दे का। तो उन्होंने कहा हजरत आप कैसी बात कर रहे हैं, जनाजा तो मुर्दे का ही पढ़ाया जाएगा। आपने नियत बांधी जिस वक्त अपनी विलायत वाली जबान से इस जिंदे को मुर्दा का, तो वो मर चुका है, रंग पीला हो गया, रूह निकल चुकी, सांस फूट गया। अभी पीछे से देख रहे हैं, पहली तकबीर हो गई, दूसरी हो गई, बड़ी आड़ी नजरों से देख रहे हैं, उतना ही रहा, जुम्बिश नहीं कर रहा। आखिर चौथी तकबीर होने ही वाली थी, पीछे से एक बोल बैठा है खुदा के बंदे अब तो उठ जा, चौथी नहीं होने वाली,
चौथी तकबीर हुई, देखा तो उसमें कुछ नहीं, पीला पड़ चुका है, सबके सब कदमों से निकल गए, सारों कतार भरने लगे। अर्ज किया कि हुजूर गुस्ताखी माफ हो, हम तो सिर्फ आपकी आजमाइश है, ये हमारा साथी जिंदा था तो मेरा तो होश वो है अपनी बिलाल काली जबान से, अगर जिंदे को मरता तो नारे तकबीर नारे रिसालत मसरके आला है नारे तकबीर और अहले सुन्नत।